आप लोगों की जानकारी तक बिहार में नहीं है कि आप लोग कहां हैं। कोई जिए मरे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहारी दूसरे प्रदेश में जा रहा है, उस पर लाठी चल रही है, उसको गाली दी जा रही है या उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए साथियों आज आप लोगों के बीच आया और देश के जिस कोने में जा रहा हूं वहां पर यही आग्रह अपने यूपी बिहार के साथियों से कर रहा हूं, जरूरत है हम लोग को एकजुट होने की, जरूरत है हम लोगों को अपनी ताकत पहचानने की। आज जब हम लोग बिहार से बाहर निकल गए, उत्तर प्रदेश से हम लोग बाहर निकल गए, हम लोग को इस बात का एहसास होता है ना भैया कि हम लोग पहले बिहारी हैं, होता है कि नहीं? पर बिहार में कोई हम लोग को बिहारी नहीं मानता। बिहार में हम लोग की पहचान है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं, हम भूमिहार हैं कि नहीं, हम दलित हैं कि हम महादलित हैं, हम पिछड़ा हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, हम अगरा जाति से आते हैं कि हम पिछड़ा जाति से आते हैं, हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। बिहार में ये पहचान है हम लोग। पर बिहार से बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो कोई नहीं देखता भैया हम लोग पे लाठी चलाने से पहले कि दलित बिहारी को मार रहे हैं कि ब्राह्मण बिहारी को मार रहे हैं, कि भूमिहार को मार रहे हैं कि किसी राजपूत को मार रहे हैं, कोई लाठी मारने से पहले नहीं देखता। सब बोलते हैं कि बिहारी लोग आ गए, ये आ गया बिहारी लोग, निकाल लो इसको यहां। ये चार पांच धर्म मजहब में बांटने की राजनीति ने बिहार को बर्बाद कर दिया। आज अगर 75 साल के बाद भी बिहार अगर आगे नहीं बढ़ा तो उसमें बंटवारे की राजनीति है, जो अंग्रेज करते थे ना, बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वही बांटने और शासन करने की राजनीति दशकों से चलती आ रही है। भाई जो लोग बिहार में सत्ता में बैठे हैं क्या बोलते हैं लोग कि बिहार का विकास करेंगे? कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो पिछले 33 साल से बिहार की सत्ता में है, 33 साल से यही राजद के मुख्यमंत्री है, यही लोग हैं जो लंबे समय से पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी वो खुद मुख्यमंत्री बने रहे, जो लोग 33 साल में हम लोग का विकास नहीं कर पाए आज ये लोग विकास की बात कर रहे हैं।